हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे करेंगे और आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है सोरियासिस। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि सोरियासिस क्यों होता है, सोरियासिस होने के क्या कारण है, सोरियासिस के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं और मैं फाइनली आपको सोरियासिस के ऊपर मेरे क्या प्रिस्क्रिप्शन है, क्या होम्योपैथिक मैनेजमेंट है वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैं डॉक्टर सद्दाम आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सोरेसिस की डेफिनेशन देखेंगे तो कॉमनली सोरेसिस इज डिफाइंड एज इट इज़ ए ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर। दोस्तों, मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो है तो स्किन जो हमारी है नॉर्मली डे बाय डे जो हम देखते हैं कि हमारी स्किन होती है और डे बाय डे बहुत सारे सेल्स स्किन के डेथ हो जाते हैं और वो निकल भी जाते हैं, लेकिन ये इतना स्लोली और इजीली होता है कि हमारे ये समझ में नहीं आता और हमारी स्किन जो है तो एकदम हेल्दी रहती है और तरोताज़ा रहती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि नॉर्मल स्किन सेल्स की अगर लाइफ ड्यूरेशन है तो वो 300 आवर्स है और यही जो लाइफ ड्यूरेशन है स्किन सेल्स का वो सोरेसिस में 36 आवर्स पर आता है, नियर अबाउट 90% कम हो जाता है, जिसके कारण जो है तो सोरेसिस की जो है तो डेवलपमेंट या कॉम्प्लिकेशन या वो डिसीज प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो नॉर्मल प्रोसेस है स्किन डेवलप होना या स्किन का टिश्यू डे बाय डे एक्सफोलिएट हो जाना या निकल जाना, उसी तरह ये जो प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाती है सोरेसिस में, क्योंकि जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, लाइफ स्पैन है स्किन सेल्स का, वो 300 आवर्स से 36 आवर्स पर आता है, ठीक है। और उसके कारण जो है तो जो स्किन सेल्स है वो 36 आवर्स में डेड हो जाते हैं और वो स्केल फॉर्मेशन करते हैं, स्केल फॉर्मेशन होती है और वो स्केल फॉर्मेशन होकर जो है तो स्किन वो जो सेल है वो निकल जाती है। तो दोस्तों, हम इसको सोरेसिस कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या कॉजेस होते हैं सोरेसिस होने के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सोरेसिस कोई भी एज में हो सकता है और वो दोनों सेक्स में, मतलब मेल एज वेल एज फीमेल में जो है तो सोरेसिस पाया जाता है। अगर हम देखेंगे कॉजेस में और तो हेरिडिटरी कॉज भी है, जैसे कि किसी के माताजी या मदर या ग्रैंडमदर के अंदर सोरेसिस की स्किन डिसीज था तो अब उसके अंदर होने के वो भी चांसेस है। इसी के साथ हम देखेंगे कि बहुत सारे स्किन डिसीज़ है, जैसे कि एक्जिमा है, ये स्किन डिसीज़ बहुत ज़्यादा एपिसोड होने के बाद भी जो है तो सोरेसिस हो सकता है। और अगर कोई इंजरी या ट्रोमा हो जाए और ट्रोमा के बाद जो है तो स्मॉल पोर्स आके भी जो है तो सोरेसिस के डेवलपमेंट हो सकती है। इसी के साथ हम देखेंगे कि कोई अल्कोहलिक पर्सन है या ओबेस पर्सन है, तो अल्कोहलिक या ओबेस पर्सन भी बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है सोरेसिस के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ कॉजेस थे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर दी सोरेसिस मैंने आपको बताए है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि क्या साइन एंड सिम्टम्स है सोरेसिस के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि किसी के अंदर बॉडी में अगर सोरेसिस स्टार्ट हुआ है तो उस पर्सन को जो है तो स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल रेड या पिंकिश टाइप के जो है तो पैचेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। पैचेस के अंदर ईचिंग स्टार्ट होगी, ईचिंग जो है तो डिज़ायर होगा ईचिंग करने के या वहाँ पर खुजाने के लिए, स्पेशली ईचिंग नाइट वक्त में ज़्यादा रहेंगे, नाइट टाइम में। और हम देखेंगे कि वो ईच करने के बाद वहाँ पर स्केल फॉर्मेशन होगा, मतलब वहाँ पर जो है तो स्किन डेड स्किन के छोटे छोटे जो है तो पार्टिकल्स फॉर्मेशन होंगे, जिसको हम स्केल कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉमनली ये सिम्टम्स है सोरेसिस के। अब हम देखेंगे जो पैचेस है उसके लिए, रेडिश पिंकिश पैचेस है, वो स्पेशली हैंड्स पर आएंगे, नीज पर, लेग्स पर, चेस्ट पर, अबडोमिनेंट पे, स्पेशली बटक्स पर, मतलब इस ऐसे प्लेस पर आएंगे जहाँ पर मॉइस्चर मेंटेन होता है, जैसे कि किसी को स्वेटिंग हो जाए और जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा मेंटेन होता है वहाँ पर जो है तो स्केली पैचेस आना स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये सोरेसिस के अंदर साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अब मैं आपको मेडिसिन बताऊँगा कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट की कौन से मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल है होम्योपैथी में सोरेसिस के लिए। फर्स्ट मेडिसिन जो है सोरेसिस के लिए बहुत ही यूज़फुल है और मैंने खुद कुछ पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने के बाद मैं देखा कि बहुत ही यूज़फुल रिजल्ट्स आते हैं सोरेसिस के अंदर, वो है अर्स आयोड फ्लैवम। अर्स आयोड बहुत ही बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है सोरेसिस के लिए। अगर कोई पर्सन है जिसको स्केलिस पैचेस आ रहे हैं, रेड पैचेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईचिंग नाइट वक्त में हो रही है,
और स्केल फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको आर साइड 30 जो है तो सुबह शाम 2 ड्रॉप्स हाफ कप के अंदर प्रिस्क्राइब करेंगे 30 डेज़ तक। और 30 डेज़ के बाद जो है तो आप देखेंगे कि आपका जो भी सिम्टम्स है वो पूरी तरह से ख़त्म या एमुलेट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम देखेंगे जो सेकंड मेडिसिन है सोरेसिस के लिए, वो है फाइटोलैकाडिकांड्रा 30। दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है फाइटोलैकाडिकांड्रा, ये ओबेसिटी के अंदर भी यूज़ होती है वेट लॉस करने के लिए, और एज वेल एज ये टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ होती है। तो हम देखेंगे ऐसा कोई पेशेंट है जो ओबेज है और जिसके अंदर सोरेसिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, या कोई पर्सन है जिसको ग्लैंडुलर इन्फेक्शन है, जैसे उसको टॉन्सिलाइटिस बहुत ज़्यादा, उसके टॉन्सिल स्वेल हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को अगर सोरेसिस का प्रॉब्लम है तो हम उसको फाइटोलैकाडिकांड्रा 30 जो है तो 30 डेज़ के लिए 2 2 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर बोथ टाइम्स अ डे प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके अब जो थर्ड मेडिसिन है सोरेसिस के लिए वो है मर्कसोल 30। दोस्तों मर्कसोल 30 बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है स्किन डिसीज के अंदर। इसी के साथ हम देखेंगे कि जो सोरेसिस का एपिसोड है या सोरेसिस का जो डेवलपमेंट है या जो उसकी ग्रोथ फेज है वो बहुत ही सडन हो जाती है। जैसे कि कोई पर्सन है जिस 1 वीक पहले बहुत अच्छा था, लेकिन 1 वीक में ही जो उसके पूरे स्किन पे स्किन पैचेस आ चुके हैं, रेड स्किन हो रही है, पिंकी स्किन हो चुकी है, स्केल फॉर्मेशन हो रहा है, और स्केल फॉर्मेशन जो है तो स्केल फॉर्मेशन के बाद वापस सिल्वर डिपोजिशन भी हो रहा है, तो उसके लिए हम मर्कसोल 30 उसको 30 जो है तो 2 ड्रॉप्स इन हाफ कप वाटर जो है तो वंस अ डे ओनली। ठीक है, मर्कसोल आपको वंस अ डे 2 ड्रॉप्स इन हाफ कप वाटर लेना है 1 मंथ तक। ठीक है दोस्तों, जो फोर्थ मेडिसिन है और सोरेसिस के लिए वो है मेजेरियम 30। दोस्तों अगर कोई पर्सन है जिसको जो स्केली डिपोजिशन है, जो पिंकिश और रेडिस पैचेस आ चुके हैं, जिसका जो है तो जब स्केल निकल जाती है तो वहाँ पर सिल्वर डिपोजिशन हो जाता है, या उसमें से जो है तो ऊजिंग होती है डिस्चार्ज की, तो हम उसको मेजेरियम 30 प्रिस्क्राइब करेंगे। कि ऊजिंग जो है, मतलब ऊजिंग वहाँ पर हमें इतना ही कंसिडर करना है कि अगर सोरेसिस है और स्केल फॉर्मेशन है और उसके अंदर भी जो है तो ओजिंग हो रही है, वहाँ से डिस्चार्ज निकल रहा है वाइट टिश टाइप का, तो हम उसको मेजरियम 30 और 2 ड्रॉप्स इन हाफ का क्वार्टर जो है तो वंस अ डे 30 डेज़ के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों जो फिफ्थ मेडिसिन है जो सोरेसिस में बहुत ही यूज़फुल है वो है ग्राफाइटिस। ओके ग्राफाइटिस 30 बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है अगर कोई फीमेल है, स्पेशली ग्राफाइटिस फीमेल में बहुत ही यूज़फुल है। अगर फीमेल है बहुत ओबेज है और उसको सोरेसिस का प्रॉब्लम है, या उसको जो है तो एब्डोमिनल डिसऑर्डर है, GIT डिसऑर्डर से कहते हैं कि जिसको कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, या बहुत ही वीपिंग टेंडेंसी है उस फीमेल के अंदर और उसको सोरेसिस है, तो हम उसको ग्राफाइटिस 30 जो है तो प्रिस्क्राइब करेंगे 2 ड्रॉप्स इन हाफ कप वाटर फॉर 30 डेज। ओके तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको सोरेसिस पे बताई। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं या आपको कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9424100428। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ दोस्तों और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।